आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला आर्टिफिशियल मटेरियल है प्लास्टिक। इसे कोल और ऑयल के मिक्सचर से क्रिएट किया जाता है। टाइटेनियम और निकल से मिलकर बनता है निटिनॉल। इसे मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। हार्ट इम्प्लांट्स, टीथ ब्रेसेस और बोन होल्डिंग डिवाइसेस इसी मटेरियल से बनाई जाती है। इस पूरी दुनिया में जो भी आप देखते हैं वो मेजरली बस दो तरह का होता है, आइदर इट इज नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल वो जिसे गॉड ने क्रिएट किया है और आर्टिफिशियल वो जिसे ह्यूमंस क्रिएट करते हैं। अभी आप जहां बैठे हैं वहीं से जरा अपने चारों तरफ देखिए तो कितनी सारी आर्टिफिशियल मटेरियल से घिरे हुए हैं ना आप। क्या हुआ, एक बड़ी सी लिस्ट तैयार हो जाएगी अगर आर्टिफिशियल चीजों को लिखने बैठे तो, राइट? आज आर्टिफिशियल मटेरियल्स का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और इसीलिए एनसाइक्लोपीडिया प्लेलिस्ट में आज का टॉपिक भी यही है, आर्टिफिशियल मटेरियल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आर्टिफिशियल मटेरियल्स वो होते हैं जिन्हें ह्यूमंस अपनी कैपेसिटी में क्रिएट करते हैं। इन्हें मैनमेड मटेरियल्स भी कहा जाता है। नेचर में एग्जिस्ट होने वाले नेचुरल मटेरियल की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करके आर्टिफिशियल मटेरियल्स बनाए जाते हैं। ये नेचुरल सब्सटेंसेस वुड, कोल, क्ले एक्सेट्रा होते हैं। आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला आर्टिफिशियल मटेरियल है प्लास्टिक। इसे कोल और ऑयल के मिक्सचर से क्रिएट किया जाता है। प्लास्टिक सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक मटेरियल्स की एक वाइड रेंज है जो पॉलीमर से मिलकर बनती है। प्लास्टिसिटी की वजह से प्लास्टिक को किसी भी शेप या साइज में मोल्ड, कंप्रेस्ड या एक्सट्रूड किया जा सकता है। टूथब्रश से लेकर शूज तक, रिस्ट वॉच से लेकर रेफ्रिजरेटर तक और बिल्डिंग से लेकर फर्नीचर तक, हर जगह यूज होती है ये प्लास्टिक। 2020 में पूरे वर्ल्ड में करीब 400 मिलियन टन प्लास्टिक का प्रोडक्शन हुआ और इसके रैपिड यूज को देखते हुए ये एस्टिमेट है कि 2050 में इसका ग्लोबल प्रोडक्शन 1100 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये एनवायरनमेंट के लिए काफी हार्मफुल है और इसके कम यूज और रिसाइकल के लिए भी कई स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है नॉन रिसाइकलेबल प्लास्टिक बैग्स। ग्लास, फाइबर ग्लास और ब्रिक्स भी आर्टिफिशियल मटेरियल्स होते हैं। इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग है फाइबर ग्लास। जैसा कि ही नाम से क्लियर है कि ये ग्लास फाइबर से बनाया जाता है। ग्लास फाइबर आपके विंडोज या पानी पीने वाले ग्लास मटेरियल से ही बनता है। फाइबर ग्लास बनाने के लिए ग्लास को हीट किया जाता है, फिर मोल्टन ग्लास को बहुत ही फाइन और फ्लेक्सिबल थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है। इन्हीं थ्रेड्स को ग्लास फाइबर कहते हैं। ये इतने थिन फाइबर्स होते हैं कि इन्हें माइक्रॉन्स में मेजर किया जाता है। फिर फाइबर्स को शीट्स में कन्वर्ट करके उन्हें डिफरेंट रेजिन्स के साथ ऐड किया जाता है जो उनको स्ट्रेंथ देते हैं। फाइबर ग्लास इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इनको फ्लाइट्स, कार्स, ऑटोमोबाइल्स, वाटर स्लाइड्स, वाटर पाइप्स, डोर, विंडोज एक्सेट्रा बनाने के लिए यूज किया जाता है। एक और आर्टिफिशियल मटेरियल है जो डेली लाइफ से इंडस्ट्री तक बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ये है नायलॉन। ये मटेरियल एक टाइप का प्लास्टिक ही होता है जिसको फाइबर और अदर डेली यूज प्रोडक्ट्स में मोल्ड किया जाता है। आपके टूथब्रश के ब्रिसल्स, ड्राइंग रूम में पड़ी प्लास्टिक मैट, कारपेट या आपका अम्ब्रेला सभी नायलॉन से ही बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि वो रोप भी जिससे आप स्किपिंग करते हैं या कपड़े सुखाते हैं, नायलॉन से क्लोथ्स भी बनते हैं। ये मटेरियल कॉटन के कंपैरिजन में टफ और लॉन्ग लास्टिंग होता है, तभी तो इसे पैराशूट और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की स्ट्रिंग्स भी बनाई जाती है। रिसेंटली जिस आर्टिफिशियल मटेरियल को इन्वेंट किया गया उसे वुड स्पंज कहते हैं। वुड स्पंज को बाल्सा वुड से बनाया जाता है। इसमें वुड को केमिकल से ट्रैक्ट किया जाता है जिससे वुड की लिग्निन और हेमीसेल्युलोज लेयर रिमूव हो जाती है और बच जाता है सेल्युलोज स्केलेटन। ये एक पोरस स्ट्रक्चर होता है जिसे हाइड्रोफोबिक कोटिंग से कवर किया जाता है। इस कोटिंग वाटर को रिपेल करते हैं और ऑयल को अब्सॉर्ब करती है। इस वुड फोम को जब वाटर और ऑयल के मिक्सचर में डाला जाता है तो ये उसमें से सारा ऑयल अब्सॉर्ब कर लेते हैं और पानी ऑयल फ्री हो जाता है।
ये अपनी कैपेसिटी से 16 टू 41 टाइम्स ऑयल का अब्सॉर्प्शन कर सकता है। सी और ओशंस में अक्सर ऑयल लीक होता है, जिससे मरीन लाइफ को बहुत नुकसान होता है। वुड स्पंज का यूज सी में स्पिल होने वाले ऑयल को एब्जॉर्ब करने के लिए किया जाता है। इट इज अ ब्लेसिंग फॉर मरीन लाइफ। आप जानते हैं हमारे सोल्जर्स जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं वो किस मटेरियल से बनती है? इस आर्टिफिशियल मटेरियल को केवलर कहते हैं। केवलर एक हीट रेसिस्टेंट और स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फाइबर होता है। इसका इन्वेंशन एक पोलिश अमेरिकन फीमेल केमिस्ट स्टेफनी कॉलिक ने 1965 में किया था। इस मटेरियल को सबसे पहले कमर्शियली 1970 में रेसिंग टायर से स्टील को रिप्लेस करने के लिए यूज किया गया था। ये इतना टफ होता है कि बुलेट भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए आज बुलेट प्रूफ जैकेट्स केवलर मटेरियल से ही बनती है। ये इतना थिन स्ट्रेच्ड हो सकता है कि इससे म्यूजिकल ड्रम्स की स्किन भी बनाई जाती है। यानी केवलर थिन भी है और टफ भी। साइंटिस्ट आज ऐसे कई मटेरियल्स डेवलप करने में लगे हैं जो दुनिया ही बदल देंगे। इन मटेरियल में से एक है कार्बन नैनोट्यूब। ये कार्बन एटम से बनने वाला सुपर थिन ग्राफीन सब्सटेंस है। इन्हें रोल करके सिलेंडर्स बनाए जाते हैं जो बाल से भी थिन होते हैं और स्टील से भी स्ट्रॉन्ग। इन नैनोट्यूब्स को रेडियो से लेकर बड़ी बड़ी मशीनरी तक में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट इन द लाइन इज ईगन। वैसे आपने पढ़ा होगा कि ज्यादातर मेटल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड गैलियम। इसी लिक्विड गैलियम मेटल से बनता है एक नॉन टॉक्सिक लिक्विड मेटल कॉल्ड ईगन। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करता है और सर्क्यूट्री के लिए आइडियल होता है। लेकिन क्या आप मेटल फोम्स के बारे में जानते हैं? जी हाँ, मेटल फोम्स को मेटल में बहुत सारे होल करके बनाया जाता है। फिर इन होल्स में गैस फिल की जाती है। इसमें लाइट मेटल एल्यूमिनियम को इस्तेमाल किया जाता है। इस मेटल फोम को साउंड प्रूफिंग और शॉक एब्जॉर्बेंट की तरह यूज किया जाता है। इसी तरह टाइटेनियम और निकल से मिलकर बनता है निटिनॉल। इसे मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। हार्ट इम्प्लांट्स, टीथ ब्रेसेस और बोन होल्डिंग डिवाइसेस इसी मटेरियल से बनाई जाती हैं। आर्टिफिशियल मटेरियल में ग्राफीन एक ऐसा मटेरियल है जो कार्बन से बनता है, लेकिन ये बहुत ही थिन, लाइट और स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। रिसर्चर्स ने ग्राफीन की खोज एक बड़े ही अनयूजुअल वे से की थी। वो कार्बन से ग्राफाइट को अलग करने के लिए स्टिकी टेप का यूज कर रहे थे और तभी उन्हें मिली एक बहुत ही फाइन लेयर। यही था ग्राफीन। तो ये था हमारा आर्टिफिशियल मटेरियल्स पर वीडियो। आपको कैसी लगी? आज आपने क्या नया जाना और सीखा? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। और हाँ, ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए माइंड वॉर्स सिर्फ यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस विच ब्रिज द गैप बिटवीन स्टडीज एंड योर बडीज, और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? Download the app now. Hey guys, want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.